नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दर्शक। एक बहुजन समाज के लिहाज से एक बड़ी खबर आई है और अब लगभग तय हो गया है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो अब शायद ही बचेगा, क्योंकि इसको मान के चला जाए कि आपके आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से मैंने दो दिन पहले एक आपको बातचीत दिखाई थी, एक बहस दिखाई थी, और उसके बाद आपको बता दूं कि किस तरह से उस खबर पर अब लगभग मुहर लग गई है और अब अखबारों में भी छपने लगी है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है। वो खबर देखने में तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे उससे हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन वो कैसे नुकसान करेगा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार बहुत शातिरों की सरकार है। ये जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है, जो ये दिखाते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो दिखाते नहीं है। खबर ये आई है कि क्रीमी लेयर सेलिंग फॉर ओबीसी टू बी हाइक 12 लाख करोड़। पहले 6 लाख रुपए था, माफ कीजिएगा, 12 लाख, पहले 6 लाख रुपए था, आपको लगा कि अब क्रीमी लेयर की सीमा 12 लाख कर देगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं। खबर दूसरी लाइन में है, सैलरी लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग इनकम फॉर फर्स्ट टाइम। पहले 6 लाख था तो वो आपके पुश्तैनी आमदनी कितनी है उससे था, अब जो 12 लाख होगा उसमें आप साल भर में कितना, आप जैसे मान लिया आप 5 लोगों का परिवार है तो आप पांचों लोग साल भर में अगर 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आ गए। और इसी को लेकर एक शानदार पोस्ट लिखा है दिलीप मंडल ने, वो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं कि ओबीसी आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला करने की मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर ये हो गया तो नौकरी पेशा ओबीसी के लाखों बच्चे आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। इसमें छोटी बड़ी सरकारी प्राइवेट हर तरह की नौकरी करने वाले शामिल होंगे। सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव से पहले मोदी ये जोखिम लेंगे, और दूसरा सवाल नीतीश कुमार इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ओबीसी वोट का एक हिस्सा उन्हें भी मिलता है। इंतजार कीजिए अगली सूचना का। तो वह पूरी खबर मैं बता दे रहा हूं, हेडलाइन के नीचे जो लिखा है वही असली खबर है। वेतन को कुल आय में जोड़ने का मतलब है सरकारी या निजी क्षेत्र में काम कर रहे करोड़ों ओबीसी के बच्चे क्रीमी लेयर बनकर आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। अब तक वेतन की आय इस गणना से बाहर थी। वेतन भोगी लोगों के ओबीसी कोटा से बाहर होने के बाद ओबीसी आरक्षण को बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा, रिक्शा चालक या खेत मजदूर? और ओबीसी में आरएसएस का यह प्रयोग सफल रहा तो अगला नंबर सीएसटी का होगा। अभी नौकरी पेशा ओबीसी के बच्चों को आरक्षण मिलता है तब ओबीसी कोटा आधा नहीं भरता, इनके बाहर होने के बाद कोटा सीटें खाली रह जाएंगी, वे सीट सवर्ण जाएगी, सवर्ण तुष्टिकरण का ये अगला चरण है। तो ये पूरी खबर है कि किस तरह से ओबीसी का आरक्षण जो है वो खत्म किया जा रहा है। आप समझिए, मैं आपको खेल समझा रहा हूं। दरअसल पहले इन्होंने जब आरक्षण की वजह से जब ओबीसी एकजुट हुई और जब लालू मुलायम ऐसे नेता बने, एससी एसटी के नेता मजबूत हुए, तो इन्होंने क्या खेल किया, गैर यादव गैर जाटव, इन्होंने ओबीसी की और जातियों को जातिवाद सिखाया, लड़ाया भड़काया कि तुम्हारा हिस्सा यादव खा रहा है और एससी में जाटव खा रहा है। जबकि सच्चाई है कि न तो यादव आरक्षण आपके खिलाफ भेदभाव करता है, न जाटव आपके आरक्षण के खिलाफ भेदभाव करता है, न 27% आरक्षण रोका कभी यादव ने, न जाटव ने दलितों का आरक्षण रोका। अब जब वो इस खेल से बाहर निकल रहे थे, अब जब लगातार सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी थी और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकता बन रही थी, तब ये आरक्षण में, पहले तो इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लगा दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण, अब ये क्रीमी लेयर लगा रहे हैं और ये 27% आरक्षण से इनको ज्यादा चीर है। सोचिए, ओबीसी के ज्यादातर बच्चे जो है वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे थे, एससी समाज के ज्यादातर बच्चे जो एक जनरेशन आरक्षण ले रहे थे, जो बार बार नहीं कहते कि मायावती रामविलास को आरक्षण की क्या जरूरत है। तो ये जो क्रीमी लेयर हमारे समाज में एक जो तय हुआ था, जो पहली जिसकी पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी नौकरी में आई थी, उसका बच्चा वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था तो वो आरक्षण नहीं लेता था, वो जनरल में क्वालिफाई करता था। जो 49% एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है उसमें से निकल के वो जनरल में क्वालिफाई करता था। अब जनरल में इन्होंने पहले तो जनरल में अब रोक लगा दिया, आरक्षण में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 49% में ही रहना होगा। तो पहले तो इन्होंने बेईमानी की कि 85% आबादी को ये 49% और 15% आबादी को 50% जगह, जैसे मान लीजिए 4 रोटी है तो 85 लोगों को ये 2 रोटी दे रहे हैं और 15 लोगों को ये 2 रोटी दे रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के साथ ये करे। उसके बाद आगे क्या स्थिति बनी, जब ये भी इनका सफल नहीं हो रहा तो अब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये कह रहे हैं कि अब क्रीमी लेयर बढ़ा दिया जाए। जब एससी ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लग जाएगा, जब कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो एससी एसटी में भी यही चीज लाने की कोशिश करेंगे।
तो ये सरकार दो ही काम के लिए बनी है, ये ना तो विकास करने के लिए बनी है ना अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए बनी है। ये बनी थी कि किसी भी तरह से मुसलमानों को सताना है, तंग करना है और आरक्षण खत्म करना है, और उस एजेंडे पर ये लगे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो क्रीमी लेयर 12 लाख रुपए करके आपको दिखाया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपकी सैलरी इसमें जोड़ी जाएगी। पहले आपकी सैलरी नहीं जोड़ी जाती थी, पहले आपकी पुश्तैनी आमदनी अगर 6 लाख से ऊपर है तो आपको आरक्षण मिलेगा। अच्छा, इसका करने की क्या वजह है? दरअसल इस देश में आरक्षण की लड़ाई वही लोग लड़ रहे हैं जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, नौकरी चाकरी में आ गए थे, उनकी समझ बढ़ी थी। अब चूंकि मान लो मैं नौकरी कर रहा हूं सरकारी या प्रोफेसर हूं और मेरे बच्चे को आरक्षण मिलना ही नहीं, तो मैं आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो अब जो हमारे समाज के वो बच्चे जो रिक्शा चालक के हैं, ठेला चालक के हैं, सब्जी वाले के हैं, किसान के हैं, मजदूर के हैं, उनको पहले तो आरक्षण की समझ ही नहीं होगी, तो उनके बच्चे जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में आएंगे वो नौकरी में ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आरक्षण की लड़ाई खत्म हो जाएगी और बाद में उस पर बहस ही बंद हो जाएगी। तो ये दो तरह से आपको मारे, एक तो आपका आरक्षण छीन रहे और दूसरा जो आप ही के समाज को बांट रहे हैं। अब जो हमारा पढ़ा लिखा समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था वो इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको लगा कि हमें तो हमारे बच्चे को आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। तो जो जिन लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि गैर यादव और जाटव आरक्षण खा रहा है, जब यादव और जाटव जो आरक्षण खा रहा था और उसके जो बड़ा तबका कॉलेज यूनिवर्सिटी में आया था आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, वो अब लड़ना छोड़ दिया। आप समझिए, आपके गांव में एक गेहूं का भंडार है, उसमें से मैं उसकी रखवाली कर रहा हूं और मैं उसमें से कुछ ले रहा हूं, लेकिन वो भंडार आपके लिए सुरक्षित है। आप जब भी वहां तक पहुंचेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आरक्षण लायक बनेंगे, तो आप वहां तक भंडार में लेंगे। अब ये क्या करेंगे कि आपको, मुझे जब मैं चौकीदार हूं, मुझे वहां से उन्होंने भंडारण को हटा दिया और बाकी अनाज वो लूट के ले जाएंगे। जब आपका बच्चा अगर पढ़ लिख भी लेगा तो आएगा तो पता चला उसके पास अनाज है ही नहीं। तो बहुत टैक्टिकली इतने शातिर तरीके से आरक्षण खत्म कर दिया गया। आप देखना है कि ओबीसी के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट करते हैं, बिहार का चुनाव है वहां किस तरह से रिएक्शन होता है। लेकिन ये तो तय है कि ओबीसी आरक्षण को ओबीसी के नाम पर आया प्रधानमंत्री ने बटाधार कर दिया है और सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी आरक्षण नहीं बचेगा। अगर आपको लग रहा है कि अगर हम लोगों ने मिलजुल के इस अधिकार को नहीं बचाया जो बाबा साहब के संविधान समय मिला था या मंडल साहब ने लागू किया था, मान्यवर साहब ने लागू करवाया था, तो आपके हिस्से में कुछ भी नहीं बचने वाला। आप घंटी बजाते रहिए, आप तो वहां भी शूद्र हैं, आप मंदिर में पुजारी नहीं हो सकते हैं। तो जो आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर बनाने की जो लड़ाई थी वो पीछे पड़ती जा रही है और आपको टीवी अखबार के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा आरक्षण का जो है वो नुकसान हो रहा है। खैर, ये चल तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बीजेपी ये कर रही है, कर तो ये कांग्रेस भी रही थी, क्योंकि सारे बड़े पदों पर जनरल कैटेगरी के लोगों को कांग्रेस ने ही बैठाया था। बाद में जब बीजेपी आई तो सारे जनरल वाले बीजेपी में चले गए और अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जिस तरह से यूनिटी बन रही है उसमें आरक्षण बचाने की लड़ाई हो रही है। अब देखना है कि आपके नेता जो हैं वो आरक्षण बचाने को लेकर खुलकर सामने आते हैं कि नहीं, वो बहुत लाजमी है, बड़ा सवाल है। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या अब वक्त आ गया है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अपना जो आरक्षण वाला अधिकार है उसमें किसी भी तरह के फेरबदल के खिलाफ सरकार को समझाना चाहिए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आंदोलन करना चाहिए? आप लोग की क्या राय है, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार था और आपके पास न जमीन है, न बिजनेस है, न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न पढ़ाई लिखाई है, जिस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है इस देश में, एक बार फिर से एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी को शूद्र बना दिया जाएगा, अछूत बना दिया जाएगा। अब मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है और इस देश में एक बार फिर से मनुवाद हावी है और उसका माध्यम है आरएसएस और बीजेपी। आप लोग की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।